ये जो वीडियो आपने देखा वो था 10 अगस्त 2020 में लिए गए लेबनान कंट्री के लोगों के प्रोटेस्ट का। ये लोग अभी भी स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ। ये जो बेरूत पोर्ट है जहां पे 4 अगस्त को बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए, इसका हिसाब उन्हें करना है। वो इंसाफ चाहते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये पोर्ट अथॉरिटीज और गवर्नमेंट के मेयर निग्लिजेंस का परिणाम है या कोई सोची समझी साजिश है इसके पीछे? ये सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वीडियो में। आइए देखते हैं। भूमध्य समुद्र के ईस्ट कोस्ट में बसा है लेबनान कंट्री और उसका कैपिटल है बेरूत सिटी, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 20 लाख है। अब इसके नॉर्दर्न रीजन में एक पोर्ट है, उसका नाम है बेरूत पोर्ट सिलोस, जहां पे बहुत सारी बड़ी कार्गोज और शिप्स आती रहती है डेली बेसिस पर अलग अलग जगहों से। अब 4 अगस्त के शाम एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी गूंज न सिर्फ बेरूत शहर में थी बल्कि वहां से 250 किलोमीटर दूर बसने वाली साइप्रस कंट्री को भी वो सुनाई दी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा धमाका होगा। यह इतना बड़ा धमाका था कि जिससे 15 किलोमीटर रेडियस के एरिया को पूरा उथल पुथल कर दिया। इसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 5000 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए। पर ऐसा क्या था इसमें जिससे इतना भीषण रूप ले लिया? वहां एक वेयरहाउस में फायरवर्क्स रखे थे और इसने आग पकड़ ली। हालांकि इसके जलने की वजह सामने नहीं आई है, पर यह जलने के अप्रोक्सीमेट 8 मिनट बाद, मतलब इवनिंग में 6:08 को वहां स्थित एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी इंटेंसिटी 3.5 रिश्टर के अर्थक्वेक के बराबर थी। तो ऐसा क्या था इसमें जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन में तब्दील हुआ? तो मैं आपको बता दूं, ये एक अमोनियम नाइट्रेट के वेयरहाउस था। अमोनियम नाइट्रेट मतलब NH4NO3, जिसकी डिटोनेशन वेलोसिटी 2500 मीटर पर सेकंड है। आपको पता ही होगा अमोनियम नाइट्रेट एक हाईली एक्सप्लोजिव केमिकल कंपाउंड है जो कि मेनली एज फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किया जाता है फार्मर्स के तरफ से, क्योंकि इसमें नाइट्रेट से जो नाइट्रोजन मिलता है वो सॉइल कल्टीवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कोल के चट्टाने उखाड़ने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और जाहिर सी बात है कि इसे एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इतना खतरनाक केमिकल कंपाउंड, उसकी स्टोरेज और हैंडलिंग काफी केयरफुली करने की जरूरत है और इस हादसे के पीछे इसके इनप्रॉपरली स्टोर करने का ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये अमोनियम नाइट्रेट 2750 मेट्रिक टन इतना ज्यादा क्वांटिटी में उनके हैंगर नंबर 12 वेयरहाउस में रखा था और ये अचानक ज्वाला में रूपांतरित हुआ। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में हजार्डस मटेरियल का रखना, वो भी पोर्ट के वेयरहाउस में विदाउट एनी प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, ये एक अलार्मिंग चीज है। क्या ये पोर्ट अथॉरिटीज की निग्लिजेंस है? क्या आपको पता है कि ये पोर्ट को केव ऑफ अलीबाबा एंड 40 थीव्स भी कहा जाता है? उसका रीजन है करप्शन रिपोर्ट्स, कस्टम ड्यूटीज से बचने वाली करप्ट स्कीम्स और इंपोर्ट का अंडर वैल्यूएशन। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि यहाँ सालाना ड्यूटी वैल्यूएशन अराउंड $1.5 बिलियन इतनी ज्यादा है और ये चीज वहां लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। पर जब ब्लास्ट हुआ तब आसमान में कुछ हवाई जहाज भी लोगों ने देखे थे। उनका कहना था कि कोई एनिमी कंट्री ने उनके ऊपर ये अटैक किया था और ये एनिमी कंट्री वो इसराइल को देख रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसराइल और बेरूत में मौजूद टेररिस्ट ग्रुप हिजाबुल में काफी टेंशन बढ़ी थी। 22 जुलाई को इसराइल ने सीरिया में कुछ एयर अटैक्स भी किए थे जिसमें हिजाबुल के कमांडर की मौत हो गई थी। इसके बाद से लगातार लेबनान और सीरिया की इसराइल के साथ लड़ाई होती रही। 4 अगस्त को इसराइल ने सीरिया के कुछ जगह में बमबारी भी की थी। ऐसे में लोगों को लगा इसके पीछे जरूर इसराइल का हाथ होगा, पर इसका जवाब है नहीं। खुद लेबनान सरकार ने इसके पीछे किसी भी तरीके के अटैक्स होने का निषेध किया है। पर ये अमोनियम नाइट्रेट की इतनी भारी मात्रा यहाँ पे आई कैसे? तो इसकी शुरुआत 7 साल पहले हुई थी, सितंबर 2013 में, जब जॉर्जिया से एक रोशस नाम का 30 साल पुराना जर्जर जहाज इसे लेके अफ्रीका की मोजाम्बिक में बेस्ड
फैब्रिका द एक्सप्लोजिवास द मोजाम्बिक एक एक्सप्लोजिव कंपनी में जा रहा था। इस कंपनी ने इंटरनेशनल बैंक ऑफ मोजाम्बिक को $1 मिलियन ट्रांसफर करके ये एक रशियन बिजनेसमैन इगोर ग्रिशुस्की से खरीदा था।